भीषण ठंड में एक थाना परिसर में शव रखकर धरने पर बैठे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कर रहे हैं थाना अध्यक्ष समेत लापरवाही बरतने वाले दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबन करने की मांग। जी हां, आपको बता दें 16 जनवरी से गायब युवक का रविवार को नाले में तैरता मिला था शव। पुलिस ने गुमशुदगी लिख कर लिया था मामले से किनारा। परिजनों ने जताई थी अपहरण के बाद अनहोनी की आशंका। शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं किया था FIR दर्ज। मानधाता के सराय सुजान निवासी युवक का रविवार को शव मिला था। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी। तत्काल IG रेंज के अधिकारी को बुलाने की कर रहे मांग। 24 घंटे में हो हत्या का खुलासा। मौके पर एडिशनल SP रानीगंज, CO भारी फोर्स लेकर तैनात। मानधाता प्रतापगढ़ से निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। यहाँ की जो FIR के इंचार्ज थे हरशंकर तिवारी जी, वो भी सस्पेंड किए जाएं। और इसके बाद अपराधियों से पकड़े जाए, एक क्राइम ब्रांच अधिकारी के विशेष निर्देशन में एक SIT की गठन किया जाए। और जब तक नहीं सस्पेंशन ये चाहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 16 जनवरी से हमारा लड़का, हमारा भाई गायब है। उसके बाद फिर भी उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। 16 जनवरी की रात में हम लोग यहाँ तफ्तीश देने आए, तब भी वहाँ से हम लोगों को डांट के भगा दिया। न कोई कंप्लेन दर्ज हुई उस रात को, न कुछ अगले दिन। चाचा हमारे जो सिपाही कांस्टेबल पद पर तैनात है अभी अम्बेडकर नगर में, वो उनके कहने पर केवल एक गुमशुदगी की सिर्फ एक रिपोर्ट लिखी गई, ना कि मुकदमा भी उस समय FIR भी दर्ज नहीं हुआ। दो दिन बाद जब 100 हमारा सर 1 किलोमीटर दूर वहाँ से बांधा था घर के, 1 किलोमीटर दूर नाले के पास पड़ा मिला सर। तो क्या भाई, पुलिस की ओर से अभी तक क्या कार्रवाई? पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ये जानिए सर। तो कब तक आप लोग ऐसे धरने? जब तक यहाँ से, जब तक हमारी मांग नहीं मिलती, जब तक न्याय नहीं मिलता, तब हम लोग ऐसे। मतलब आप लोग ऐसे ही? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका जी? संदीप, संदीप।